हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैंकर कपल। सबसे पहले तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस जिनका भी बैंक ऑफ इंडिया PGDBF कोर्स में सिलेक्शन हुआ है और उन्हें ऑफ़र लेटर मिल गया है। तो कल आप सभी को मेल आ गया होगा ऑफ़र लेटर के लिए। तो आज मैं आप सभी के साथ वो मेल जो आया है उसमें से बहुत सारे लोगों को कुछ डाउट्स हैं तो वो डिस्कस करूँगी। सबसे पहले दो तीन चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट है इस मेल में वो ये कि ये जो मेल आया है ये आपका जो ऑफ़र है उसका एक्सेप्टेंस के लिए आपको इसका रिटर्न ईमेल देना है, जो सबसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपको ये ध्यान में रखनी है। यहाँ पर देखिए क्लियरली लिखा हुआ है, योर एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफ़र हैज़ टू बी कन्वेड बाय रिटर्न ईमेल ऑन और बिफोर 1 नवंबर 2013 एंड डू नॉट सेंड स्कैंड कॉपी ऑफ ऑफ़र लेटर। मतलब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको जिस भी मेल आईडी से मेल आया है उसको रिवर्ट करना है। इसमें एक ऑफ़र लेटर नीचे था उसमें भी एक मेल आईडी दी हुई है, वो भी मैं आप सभी को दिखा दूंगी। तो सबसे पहले आपको इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखना है, आपको सिर्फ ये लिखना है कि डियर सर और मैडम आई एक्सेप्ट दिस ऑफ़र, अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। और नीचे एक और चीज़ लिखी है कि एजुकेशन लोन अवेलिंग नॉट अवेलिंग टू बी मैंशनड इन योर रिप्लाई ईमेल। आपको ये लिखना है कि आप एजुकेशन लोन अवेल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो आप ये लिखिए कि आई वॉन्ट टू अवेल एजुकेशन लोन, और अगर नहीं करना चाहते तो आप लिख दीजिए आई डू नॉट वॉन्ट टू अवेल एजुकेशन लोन। इसमें लिखा है इफ़ नॉट मैंशनड, अगर आप कुछ भी मैंशन नहीं भी करेंगे ना तो वो कंसिडर करेंगे कि आपको एजुकेशन लोन नहीं चाहिए। तो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको 1 नवंबर के पहले करनी है। तो जिसको भी क्लैरिटी है कि उसको ज्वाइन करना है वो 1 नवंबर का वेट ना करो, आप आज ही रिप्लाई कर दो। जिसको थोड़ा डाउट है या कुछ डाउट्स आ रहे हैं तो वो रुक सकते हैं, लेकिन फिर भी 1 नवंबर के पहले ही आप रिप्लाई कर दें वो ज़्यादा बेटर होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये लिखी है कि रिक्वेस्ट फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम डेडलाइन फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफ़र या एक्सटेंशन फॉर ज्वाइनिंग द कोर्स विल नॉट बी ग्रांटेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या हमें एक्सटेंशन मिल सकता है, तो देखिए अगर ये सिंपल ज्वाइनिंग होती है IBPSP होगी तो आपको ज़रूर एक्सटेंशन मिल जाता, लेकिन ये एक कोर्स है जो स्टार्ट हो रहा है जिसकी डेट भी इन्होंने बता दी है इसमें कि कब से स्टार्ट हो रहा है, तो इसीलिए आपको यहाँ पर कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। और ये जो 1 नवंबर वाली डेट है इसमें भी कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस मेल को रिवर्ट करना है और बताना है कि मैं ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर रहा हूँ, और उसके बाद आपको ये भी बताना है कि आपको एजुकेशन लोन चाहिए या नहीं चाहिए। ये पहली चीज़ जो आपको करनी है। दूसरी चीज़ जो आपको करनी वो ये थर्ड पॉइंट है, साइंड कॉपी ऑफ ऑफ़र लेटर। इस मेल के अटैचमेंट में आपको एक ऑफ़र लेटर आया है, उसको आपको प्रिंट आउट निकालना है क्योंकि इसमें लिखा है हार्ड कॉपी, तो उसको प्रिंट आउट निकालिए। और उसको आपको कहाँ सबमिट करना है, जोनल ऑफिस में एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ योर प्री एडमिशन फॉर्मेलिटीज़। जब आपकी प्री एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ के लिए आप जोनल ऑफिस जाएंगे तो आपको ये हार्ड कॉपी लेकर जानी है। शेड्यूल रिगार्डिंग द सेम विल बी प्रोवाइडेड इन ड्यू कोर्स बाय रिस्पेक्टिव मेडिकल जोन या जोनल ऑफिस। उसका क्या शेड्यूल है उसके रिगार्डिंग भी आपको मेल आ जाएगा। अब हम ऑफर लेटर देख लेते हैं। तो देखिए ये ऑफ़र लेटर है, इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी है, लेकिन अभी जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको समझा देती हूँ। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ ये लिखी है कि सबसे पहले तो जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आपको किस पोस्ट पे रखा जाएगा, क्रेडिट ऑफिसर। जैसे ये जिनका है वो क्रेडिट ऑफिसर है, IT ऑफिसर जो होंगे उनका IT ऑफिसर रहेगा, लेकिन ये JMGS 1 जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 ये वही पोस्ट होती है जो IBPS PO से लेते हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं है इनकी ग्रेड में। जो IBPS PO की पोस्ट है वही आपकी पोस्ट है। अब इसमें एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट ये लिखिए कि यू आर फुलफिलिंग द प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मतलब जो भी क्राइटेरिया था वो एज ऑन दिस डेट आपका फुलफिल होना चाहिए, और जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। मान लीजिए आपने फॉर्म भर दिया, आप सेलेक्ट हो गए, लेकिन अगर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नोटिफिकेशन में मांगा था अगर वो नहीं होगा तो अब भी ऐसा हो जाता है कि वो आपको रिजेक्ट कर दे। इसलिए ये सारी चीज़ें बिल्कुल ध्यान से चेक कर लीजिएगा। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर दिए हैं ये आपको ओरिजिनल में तो सबमिट करने ही हैं, उसके साथ ही उसकी 3 फोटोकॉपीज़ भी आपको सबमिट करनी है।
देखिए सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है ये वाला, गवर्नमेंट इशूड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड चलेगा, पासपोर्ट चलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर कार्ड। मुझे जो सबसे सेफ डॉक्यूमेंट लगता है वो पैन कार्ड लगता है, क्योंकि पैन कार्ड में ज़्यादा चीज़ें ऐसी मेंशन होती नहीं है। आधार कार्ड में कई बार क्या होता है, स्पेलिंग और वो सारी चीज़ें मिसमैच भी कर जाती है। पैन कार्ड सबसे अच्छा डॉक्यूमेंट होता है अगर आपको दिखाना है तो। पैन कार्ड तो ज़रूर लेके जाइएगा, उसके साथ ही आधार तो लेके जाना ही आपके पास है ही। दो डॉक्यूमेंट्स हमेशा रखिए सेफ साइड के लिए, तो ओरिजिनल भी लेके जाना और उनकी तीन सेट कर लेना फोटो कॉपीज के। ड्यूली अटेस्टेड लिखा है, तो इसमें ड्यूली अटेस्टेड का मतलब तो ये होता है कि आपको सेल्फ अटेस्टेड करने, आगे नीचे चल के अगर कुछ और भी मांगा है तो मैं आपको बता दूंगी। सेकेंड आपको क्या लेके जाना है, सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आपको 10th की मार्कशीट लेके जानी है, इसमें लिखा है क्लास 10th स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट कंटेनिंग डेट ऑफ बर्थ। देखिए स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट की जगह आई थिंक अगर 10th क्लास का जो आपका सर्टिफिकेट देता है, जैसे CBSE बोर्ड सर्टिफिकेट देता है, 10th की मार्कशीट भी देता है उसके साथ सर्टिफिकेट भी देता है, तो अगर वो है तो आप वो ले जा सकते हैं। क्योंकि स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट तो तब मिलता है जब आप स्कूल छोड़ देते हैं 10th के बाद। तो यहाँ पर आपको सबसे इम्पोर्टेंट कि 10th की मार्कशीट लेके जाना और 10th का जो सर्टिफिकेट आता है ना CBSE का, अगर आप CBSE बोर्ड से है तो वो लेके जाना। साथ ही वैसे ही 12th की पास सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट और 12th की मार्कशीट, ये चार चीज़ें हो गई। उसके बाद ग्रेजुएशन आपने किया है तो उसकी डिग्री, सबसे इम्पोर्टेंट डिग्री, अगर ओरिजिनल नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट, प्रोविजनल डिग्री होती है वो लेके जानी है। फिर मार्कशीट आपको ग्रेजुएशन ईयर्स, सेमेस्टर्स एंड फाइनल कंसोलिडेटेड मार्कशीट। जैसे मान लीजिए बीटेक वालों को सारे सेमेस्टर की मार्कशीट भी मिलती है और फाइनल भी मिलती है, तो आपको वो लेके जानी है। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर किया है तो उसकी डिग्री लेके जानी है, या कोई भी एक एडिशनल क्वालिफिकेशन आपने किए तो आपको वो लेकर जाना है और उसकी भी मार्कशीट लेके जानी है सारी ईयर और सेमेस्टर की। तो ये सारा एक सेट बना लेना, ये सब ओरिजिनल भी चाहिए और इनकी तीन तीन फोटोकॉपी चाहिए, ये हो गया। उसके बाद थर्ड है कास्ट या कम्युनिटी सर्टिफिकेट इशूड बाय कम्पिटेंट अथॉरिटी इन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फॉर्मेट है वो चाहिए SC ST OBC कैटेगरी को। उसके साथ ही OBC कैटेगरी को जो है वो लेटेस्ट OBC सर्टिफिकेट ही सबमिट करना है, ओरिजिनल, इन ओरिजिनल, अलॉन्ग विथ कॉपीज इशूड बाय कम्पिटेंट अथॉरिटी ऑन प्रिस्क्राइब प्रोफॉर्मा इशूड स्पेसिफिकली मैंशनिंग, नॉन क्रीमी लेयर क्लॉज स्पेसिफिक होना चाहिए। और ये सर्टिफिकेट की जो इशूइंग डेट है वो 1 अप्रैल 2022 के बाद की होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है, इसके पहले का सर्टिफिकेट एक्सेप्ट नहीं होगा। उसके बाद DWS कैंडिडेट्स को इनकम और असेट सर्टिफिकेट ले जाना, ये भी इस फाइनेंशियल ईयर में इशू होना चाहिए फॉर द ईयर 21-22, मतलब इशू इस फाइनेंशियल ईयर में होना चाहिए। और किस फाइनेंशियल ईयर के लिए होना चाहिए, 21-22 के लिए, बाय एनी वन ऑफ द कम्पिटेंट अथॉरिटी एज नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको लेकर जानी है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इसके साथ और भी चीज़ें अभी ख़त्म नहीं हुई है जो आपकी लिस्ट है। देखिए कैंडिडेट सर्विंग इन गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, अगर आप पहले से कहीं गवर्नमेंट या PSU में काम कर रहे हैं इंक्लूडिंग बैंक, तो आपको NOC जो है वो प्रेजेंट एम्प्लॉयर से कंपलसरी है एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये NOC भी आपको चाहिए, इसकी भी तीन कॉपी लेके जाना। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन फ्रॉम द मेडिकल बोर्ड एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इन केस यू बिलोंग टू पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज कैटेगरी। ये सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने इसमें फॉर्म भरा था, उनको मेडिकल सर्टिफिकेट लेके जाना है मेडिकल बोर्ड का, डिस्ट्रिक्ट लेवल का ये लेकर जाना है। उसके अलावा ऑल अदर रिलेटेड सर्टिफिकेट, मार्कशीट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऑन विच योर एलिजिबिलिटी इज डिसाइडेड, मतलब अगर आपने एक्सपीरियंस दिखाया है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके जाना, कुछ और भी दिखाया है तो उसकी सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ये सब लेके जाना। अब ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोगों को डाउट हो रहा है, आपको तीन सेटिस्फैक्ट्री कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाने हैं। किस किस से ले जा सकते हैं, पहला प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज या हेड ऑफ डिपार्टमेंट, मतलब HOD ऑफ कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो आपने लास्ट अटेंड की है।
मान लीजिए अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो वहाँ के कॉलेज या HOD का लेके जाना है आपको प्रिंसिपल का, अगर ग्रेजुएशन की है तो वहाँ के प्रिंसिपल या HOD का, पहला ये। दूसरा गजटेड ऑफिसर या बैंक ऑफिसर का भी चलेगा। गजटेड ऑफिसर में कई बार गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल्स या टीचर्स भी आ जाते हैं, जो लेक्चरर होते हैं वो। उसके बाद अगर आप प्रेजेंटली कहीं जॉब कर रहे हैं तो प्रेजेंट एम्प्लॉयर का भी चलेगा, या फिर रिस्पेक्टेबल पर्सन जो आपसे रिलेटेड ना हो उनका भी चलेगा। तो इसमें लिखा है कि इन तीन में से एक जो है वो प्रिफरेबली आपने जहाँ से भी कॉलेज से पढ़ाई की है वहाँ के प्रिंसिपल या HOD का होना चाहिए। मतलब ये प्रिफरेबली लिखा है, तो आप एक तो उनका लेके ही जाना, दूसरा आप किसी बैंक ऑफिसर का ले सकते हो, ये आपको ईजीली मिल जाएगा, और तीसरा कोई भी रिस्पेक्टेबल पर्सन, मान लीजिए जो आपसे रिलेटेड नहीं होना चाहिए, आपके कोई भी स्कूल में भी किसी का ले सकते हो, या कोई भी स्कूल के प्रिंसिपल का ले सकते हो, आपके एरिया में कोई गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ के प्रिंसिपल का, वो भी चलेगा। तो आप ऐसे कहीं से भी तीन कैरेक्टर सर्टिफिकेट इजीली बनवा सकते हो। रिस्पेक्टेबल पर्सन में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, इसमें कुछ ऐसा कंपल्शन नहीं है कि आपको किसका चाहिए, बस आपसे रिलेटेड नहीं होना चाहिए, ब्लड रिलेशन में नहीं होना चाहिए आपके। आप अपने पड़ोसी का ले सकते हो, अगर वो कोई अच्छी डिपार्टमेंट में कहीं पर जॉब कर रहे तो आप उनका भी ले सकते हो। और एक यहाँ पर लिखा है डिक्लेरेशन रिगार्डिंग कैरेक्टर एंड एंटीसिडेंट्स इंक्लूडिंग पेंडेंसी ऑफ एनी क्रिमिनल कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स। ये डिक्लेरेशन का आई थिंक फॉर्मेट होता है, ये इससे रिलेटेड जो है मैं आपको एक बार और कंफर्म करके बताऊंगी। बाकी ये डिक्लेरेशन आपको चाहिए कैरेक्टर एंड एंटीसिडेंट्स इंक्लूडिंग पेंडेंसी की, कोई पेंडेंसी तो नहीं है कोई क्रिमिनल कंप्लेंट या प्रोसीडिंग्स में, या आप खुद भी डिक्लेरेशन दे सकते हो, या इसका फॉर्मेट मैं आपको शेयर कर दूंगी अगर मुझे मिलता है तो। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट है पासपोर्ट साइज कलर एंड रीसेंट फोटोग्राफ। आपको पासपोर्ट साइज कलर्ड और रीसेंट फोटोग्राफ ले जाने हैं। तीन कहाँ पर लेके जाने हैं? जब रिपोर्ट करोगे BOI के जोनल ऑफिस में मेडिकल एग्ज़ाम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वहाँ पर आपको तीन लेकर जाने हैं। उसके बाद जब आप मणिपाल के कैंपस में जाओगे बेंगलोर में, तो वहाँ पर आपको 8 फोटोग्राफ लेके जाने हैं, और दो आपको किसके लिए चाहिए? अगर आपको एजुकेशन लोन लेना है तो टोटल 13 फोटोग्राफ, तो टोटल आप 20 बनवा लो सेफ साइड के लिए, और एक साथ रख लो, जहाँ भी जाए जितने मांगे उतने दे देना। अब नेक्स्ट डे कॉपी ऑफ दिस एडमिशन लेटर। ये जो एडमिशन लेटर आया है इसकी कॉपी, इस पर आपका एक्सेप्टेंस चाहिए, नीचे मैं आपको बताऊँगी कैसे देना है, इसकी भी एक फोटोकॉपी आप ले लेना। उसके बाद द अबव रेफर्ड सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय यू शैल बी डीम्ड टू बी मटेरियल फॉर द पर्पस ऑफ दिस एडमिशन। ये फॉल्स या इनकम्प्लीट हुए तो आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल भी हो सकता है, इसलिए ध्यान रखना कि डॉक्यूमेंट्स आपके प्रॉपर हो। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि ये जो 1 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होगा आपका, ये दो फेजेस में है। 9 मंथ का प्रोग्राम होगा आपका मणिपाल एकेडमी ऑफ BFSI बैंगलोर में, और 3 महीने की इंटर्नशिप होगी BOI की ब्रांच में, कहीं पर भी हो सकती है। और ये जो 9 मंथ्स का कोर्स है इसमें 3-3 ट्राइमेस्टर्स होंगे, 3 मंथ्स ईच। इन ट्राइमेस्टर्स में क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे वो मैं ऑलरेडी उसका वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, आप देख सकते हैं जाकर। अब ये जो कैंपस है आपका, ये बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे ही मैंने इसका एड्रेस देखा मुझे लगा कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, आपको बहुत अच्छा कैंपस मिलने जा रहा है। ये जो कैंपस है यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा की ट्रेनिंग होती थी और सिंडिकेट बैंक की भी होती थी, तो ये बहुत ही अच्छा और बहुत ब्यूटीफुल कैंपस है। ये फुली रेजिडेंशियल कैंपस है, तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा है कि आपको बस से आने जाना का कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे एकेडमिक विंग सेपरेट है, और उसके बाद हॉस्टल्स मेल्स और फीमेल्स के सेपरेट है, और बहुत ही सुंदर कैंपस है ये। यहाँ पर कैंटीन और सब कुछ है। और ये जो कैंपस है ना, ये डिफरेंट है, जो ICICI, एक्सिस, HDFC इनके जो कैंपस होते हैं वो दूसरे होते हैं, और जो पब्लिक सेक्टर बैंक के कैंपस होते हैं PSB इसके, वो दूसरे होते हैं, तो ये वही वाला कैंपस है। यहाँ पर एक और चीज़ लिखी हुई है कि सेपरेट वेलकम ईमेल जो है वो आपको अलग से आएगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि कैंपस में क्या करना है क्या नहीं करना है। कैंपस में आपको 24/7 मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी, जो बहुत ही अच्छी चीज़ है।
ये सारी चीज़ें मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ क्योंकि ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है अभी। आपको वहाँ पर यूनिफॉर्म दी जाएगी कोर्स में, वो आपको यूनिफॉर्म पहननी है वहाँ पर, यूनिफॉर्म की साइजेस सब वहीं ली जाएगी। जब तक आपकी यूनिफॉर्म फाइनल नहीं होती, आई थिंक उसमें 1 मंथ लग जाता है, तो 1 मंथ के लिए सफिशेंट आप फॉर्मल जो आपका ड्रेस है वो लेकर जाना वहाँ पर। लड़कियों के लिए जो भी सलवार सूट होता है वो नॉर्मल आप लेके जा सकते हैं, या फिर आप ट्राउज़र और पैंट भी ले जा सकते हैं और ब्लेज़र ले जा सकते हैं, पर वो ज़्यादा लेके मत जाना क्योंकि यूनिफॉर्म 1 महीने में आपकी रेडी हो जाएगी। तो आप थोड़े बहुत फॉर्मल्स रख के जाना, एटलीस्ट 5-6 आप रख सकते हैं पेयर, ताकि आप जितने दिन में आपकी यूनिफॉर्म बन रही है उतने टाइम पहन सके वहाँ पर। स्टाइफंड आपको मिलेगा 2,500 रुपये पर मंथ, जिसमें आप अपने खर्चा आप निकाल सकते हैं महीने का, और इंटर्नशिप में आपको 15,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। यहाँ पर लिखा है कि कैसे आपको वहाँ पर डिसिप्लिन मेंटेन करना है, इसके लिए सेपरेट ईमेल भी आ जाएगा। सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द कोर्स के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप सारे सब्जेक्ट्स अगर पास कर देते हैं, आपको विद इन 1 ईयर की ड्यूरेशन पास करने हैं, अगर नहीं किए तो आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल भी हो सकता है, तो बहुत ध्यान रखना। ऐसा मान लीजिए फर्स्ट आपके ट्राइमेस्टर में कोई सब्जेक्ट छूट गए, तो उसको सेकेंड तक कवर कर लेना, मतलब 1 ईयर की जो कोर्स की ड्यूरेशन है उसमें आपको ये कंप्लीट करना है। उसके बाद देखिए ये वाला पॉइंट, जो अपॉइंटमेंट होगा आपका उसमें वही 36,000 बेसिक पे आपको मिलेगी जो एक IBPS PO को मिलती है, तो बिल्कुल सेम सैलरी होगी आपकी। मेडिकल एग्जामिनेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अगर आप मेडिकली फिट होंगे उस तो ही आपको फाइनल जो है वो जॉब मिलेगी, लेकिन ऑल सब लोग मेडिकली फिट ही रहते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है यहाँ पर। जब आप एक्सेप्टेंस भेज देंगे ना इस ऑफर का बाय ईमेल विद इन 3 वर्किंग डेज, तो आपको रिपोर्ट करना है स्पेसिफाइड जोनल ऑफिस ऑफ बैंक ऑफ इंडिया में ऑन और बिफोर 7 नवंबर। ये जिनका लेटर ये उनके लिए हो सकता है, बाकी के लेटर में कुछ अलग डेट हो, जिनका मेरे पास है उनका 7 नवंबर है। मतलब आपको 7 नवंबर के पहले वहाँ पर उस स्टेट के जोनल ऑफिस में जाना है, और ये एडमिशन लेटर की कॉपी भी लेके जानी है, और मैंने जितने डॉक्यूमेंट्स आपको बताए वो लेकर जाने हैं, उनकी 3 फोटोकॉपी भी लेके जानी है। तो ये सारी चीज़ें लेकर आप 7 नवंबर के पहले पहुंच जाना, और ये जो ऑफर का एक्सेप्टेंस है ये आपको 1 नवंबर के पहले देना है। देखिए यहाँ पर जैसे जोनल ऑफिस का एड्रेस दिया है, इनका जयपुर है तो ये जयपुर दिया है। यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि जोनल ऑफिस जो है वो सारी चीज़ें चेक करेगा, आपके जो डॉक्यूमेंट है डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा, और जो मेडिकल एग्जाम है उसके रिगार्डिंग आपको एक सेपरेट मेल भी आ सकता है जैसा इन्होंने लिखा है, तो ये आपका मेडिकल करवाएंगे, लेकिन जो मेडिकल एक्सपेंसेस है वो आपको बॉर्न करने हैं। जब ये सब सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा, अपॉन कंप्लीशन ऑफ एलिजिबिलिटी वेरीफिकेशन मेडिकल एग्जामिनेशन एंड क्लियरेंस फ्रॉम रिस्पेक्टिव जोनल ऑफिस, तो आपको फिर उसके बाद आपका फीस को पे करना है। फी कैसे पे करनी है आपको, 3.5 लाख प्लस GST है, ये लगभग 4,13,000 बन जाता है। ये आपको पहला जो है 20 नवंबर से कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो 20 के पहले आपको 1,20,000 प्लस GST भरना है, सेकेंड ट्राइमेस्टर के पहले 1,20,000 प्लस GST भरना है, और थर्ड के पहले 1 लाख प्लस GST भरना है। टोटल 3,50,000 है प्लस GST, इसमें सब कुछ इंक्लूड रहेगा, वहाँ पर आपको अलग से कुछ भी पे नहीं करना है। इसमें एक चीज़ अच्छी है कि जो एजुकेशन लोन नहीं लेंगे उनका ना, अगर बीच में उनको कोर्स छोड़ना पड़ रहा है तो उनको ये 1,20,000 दिए हैं तो उतना ही नुकसान होगा, बाकी ये जो है ये रिमेनिंग अमाउंट ही आपका बच जाएगा, तो ये एक अच्छी चीज़ है इसमें। लेकिन जो लोन ले रहे हैं उनको पूरा लोन लेना पड़ेगा। अब इसमें लिखा है कि कोर्स फी कैसे रीइंबर्स होगी, तो ये 5 ईयर की जब आप एक्टिव सर्विस कर लेंगे बैंक में, 5 ईयर्स ऑफ एक्टिव सर्विस और रेगुलर एम्प्लॉय। रेगुलर एम्प्लॉय का मतलब जितना मुझे समझ आ रहा है कि जो आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा, जनरली PGDF वालों का प्रोबेशन पीरियड जो है वो 1 ईयर होता है, वह आपका कितना रहेगा वो तो आपको ज्वाइनिंग के बाद पता चलेगा। तो 1 ईयर का प्रोबेशन रहा तो जब आपको 6 साल हो जाएंगे, क्योंकि रेगुलर एम्प्लॉय तो आप बाद में बनोगे 1 साल के बाद, तो उसके बाद ही आपको टोटल कोर्स फी जो है वो लौटा देंगे, पर बैंक उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं देगा आपको।
और इसमें लिखा है कि बैंक जो है वो टोटल कोर्स फी सिर्फ 3,50,000 देगा, इसमें ये नहीं लिखा कि वो जीएसटी भी देगा, तो ये थोड़ा क्लैरिटी नहीं है यहाँ पर कि वो जीएसटी वाला अमाउंट देगा। और जिन्होंने एजुकेशन लोन लिया है उनका जो पूरा अमाउंट है वो उनके लोन अकाउंट में डाल दिया जाएगा। तो ये है जो भी आउटस्टैंडिंग एजुकेशन लोन में रहेगी, अगर कोई आउटस्टैंडिंग है तो वो आपको भरनी पड़ेगी, वो बैंक उसका जो है वो अमाउंट नहीं देगा। ये एक इम्पॉर्टेंट है, एग्रीमेंट या सिक्योरिटी बॉन्ड, ये मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लगा क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि जब आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपको एक सर्विस बॉन्ड एग्जीक्यूट करना है कि आप 3 साल तक बैंक को सर्व करेंगे, और जब आप बैंक ज्वाइन करेंगे तो आपको 1,00,000 रुपये डिपॉजिट करने, देखिए यहाँ लिखा है 1,00,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट करना है जो रिफंड होगा आफ्टर 3 ईयर्स ऑफ एक्टिव सर्विस। अगर 3 साल के पहले छोड़ देते हैं तो वो 1,00,000 रुपये ये नहीं देंगे। तो ये 1 लाख का जो बॉन्ड है ना, ये तो एग्जीक्यूट हो जाएगा कोर्स के टाइम, लेकिन जो 1,00,000 रुपए हैं वो जमा आपके नहीं होंगे, वो जमा आपको तब करने हैं जब आप बैंक ज्वाइन कर लेंगे। तो ये दो चीज़ें जो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगी, वहाँ पर आप जाएंगे तब आप क्लैरिफाई कर लीजिएगा। उसके बाद एजुकेशन लोन जो है वो आपको मिल जाएगा, उसकी अलग से एक अटैचमेंट दिया है इन्होंने। लैपटॉप वहाँ पर कंपलसरी रहता है, तो अगर आपके पास खुद का लैपटॉप है तो आप लेके जाइए, अगर आपको लैपटॉप नहीं है तो आपको लैपटॉप खरीदना पड़ेगा। और अगर आप नहीं खरीदना चाहते, लोन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 50,000 का ये लोन देंगे, ये रीइम्बर्स बैंक नहीं करेगा। एजुकेशन लोन की पॉलिसी बैंक ने बनाई है, जिसके लिए बैंक ने अलग से आपको एक लेटर भेजा जो आप देख सकते हैं। अगर आपको एजुकेशन लोन लेना है तो वो सेंट्रली आपका वहीं पर बैंगलोर में ही होगा। इसमें लिखा है इफ़ यू डिज़ायर टू अवेल एजुकेशन लोन यू मे कॉन्टैक्ट अवर बैंक रिप्रेजेंटेटिव एट मणिपाल अकेडमी। जब आप इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट करेंगे ना, उसके बाद ही फॉर्मेलिटी होगी, वहाँ पर लोन एप्लीकेशन और फर्दर नेसेसरी प्रोसेसिंग फॉर्मेलिटीज़ जो है वो वहीं पर होगी सेंट्रली। तो ये अच्छी चीज़ है, आपको ब्रांचेस में जा जा के कुछ भटकने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ पर कैंपस में जाएंगे, वहाँ पर वो आपका लोन कर देंगे। अगर इसमें जो भी आपको लोन में कंसेशन दिया, अगर आप बैंक की सर्विस छोड़ देते हैं तो वो कंसेशन आपका रिफंड नहीं होगा। इसमें लिखा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एट द कैंपस ऑफ मणिपाल अकेडमी, 18 तक आपको पहुंचना है। देखिए जितना जल्दी पहुंचेंगे ना उतने अच्छे रूम मिलेंगे आपको। यहाँ पर लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एट द कैंपस ऑफ मणिपाल बेंगलुरु ऑन 18, तो 18 को सुबह से पहुंच जाओगे तो अच्छा रूम जो है सबसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है यहाँ पर। तो अगर अच्छी जगह अच्छा रूम चाहिए आपको तो आप जल्दी सुबह सुबह पहुंच जाओ, शाम तक आओगे तो ऑलमोस्ट सब लोग पहुंच चुके होंगे। एड्रेस यहाँ पर बता ही दिया था मणिपाल का, इसमें लिखा हुआ है कि आपको एडिक्वेट क्लोथिंग, मतलब मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताया कि प्रॉपर आप 1 महीने जितने कपड़े लेके जाना, फॉर्मल ब्लैक शूज़, स्पोर्ट्स या कैनवास शूज, स्लीपर्स, पर्सनल इफेक्ट्स, अपैरल, एक्सेसरीज, सब कुछ लेके जाना, क्योंकि वापस तो आप इतनी दूर बैंगलोर से घर इतनी जल्दी नहीं जा पाओगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये अच्छी चीज़ है कि 18 से, तो आप दिवाली के आपको बाद में ही जाना है तो वो टेंशन नहीं रहेगा आपको दिवाली की छुट्टी लेने का। देखो इसमें लिखा हुआ है कि यूनिफॉर्म तो मिलेगी, लेकिन फिर भी आपको अपने सफिशियंट जो है वो वहाँ पर फंक्शन सेलिब्रेट होते हैं तो उन सब के लिए सफिशियंट कपड़े लेकर जाने हैं, क्योंकि मुश्किल ये है कि 9 महीने में आप घर आ पाओगे, एक आध बार आप आ सकते हो। देखो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, योर एक्सेप्टेंस ऑफ दिस ऑफर ऑफ एडमिशन शुड बी सेंड टू अस बाय ईमेल टू, ये ईमेल आईडी है, ये आपको इसी ईमेल आईडी पे एक के पहले भेजना है मेल, और जो फिजिकल कॉपी है वो आपको जोनल एचआर अथॉरिटी को सबमिट करनी है जब आप मेडिकल एग्जामिनेशन और डीवी के लिए जोनल ऑफिस में जाओगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए ये यहाँ पर जो नीचे लाइन लिखी है, जब मेल को रिप्लाई करोगे ना तो ये चीज़ लिख सकते हो सिंपल, आई एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ एडमिशन टू दिस दिस। लोगों को डाउट हो रहा था आपको कि क्या रिप्लाई करना है, ये एज इट इज़ कॉपी करो और मेल पे पेस्ट कर दो और मेल भेज दो, सबसे पहले ये काम करना है। और उसके बाद इसकी प्रिंट लेनी है, यहाँ पर डेट या प्लेस डालनी है, आपका सिग्नेचर डालना है, आपका नाम डालना है, और ये आपको कहाँ पर सबमिट करना है, जब आप मेडिकल और डीवी के लिए जोनल ऑफिस जाओगे। ठीक है, तो ये आई थिंक आपको इसमें कुछ डाउट नहीं रहा होगा।
अब ये एजुकेशन लोन का है, तो देखिए इसमें आपको 4 लाख तक का लोन मिलेगा। आपको कितनी फी पे करनी, एक्सपेंसेस कंसिडर्ड फॉर लोन इसमें लिखा हुआ है 3,50,000 प्लस GST। मार्जिन इसमें आपको 4 लाख तक के लोन में कोई मार्जिन नहीं देनी, मतलब आपको कोई अमाउंट नहीं देना। अगर आपको 4 लाख से ज़्यादा का चाहिए तो आपको 5% मार्जिन देना है। रीपे कैसे होगा, आपको मॉरेटोरियम मिलेगा, मतलब हॉलीडे मिलेगा कोर्स के पूरे पीरियड का, प्लस 1 ईयर आफ्टर गेटिंग गेनफुल एम्प्लॉयमेंट विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले होगा। तो आपका जैसे ही आपकी सैलरी स्टार्ट होगी आपकी EMI स्टार्ट हो जाएगी। रीपे कैसे कर सकते हो, 15 साल में आप इसको रीपे कर सकते हो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मॉरेटोरियम पीरियड। देखो 5 साल के बाद बैंक जो है वो टोटल फी आपको रीइंबर्स कर देगा, तो आपका जो लोन है वो क्लोज आप कर सकते हो। कोई प्री पेमेंट पेनल्टी आपको नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट उसमें लिख रखा है 10.95% है। 1% ROI कंसेशन देंगे अगर आप मॉरेटोरियम पीरियड जो है ना उसमें इंटरेस्ट सर्व कर देते हो। मॉरेटोरियम पीरियड मतलब जब कोर्स चालू हो रहा है ना उसी में अगर आप इंटरेस्ट दे दोगे तो आपको 1% कंसेशन देंगे ये। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वो ध्यान रखो। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको प्रोविजनल ऑफर लेटर जो आपको मेल पे आया है वो लेके जाना है। 10th और 12th और ग्रेजुएशन PG अदर क्वालिफिकेशन मार्कशीट की कॉपी लेके जानी है। पैन कार्ड की कॉपी, आधार कार्ड की कॉपी, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये आपको लोन के लिए रिक्वायर्ड है। ये जो ब्रांच है ना RBC इलेक्ट्रॉनिक सिटी ब्रांच, ये आपको लोन के लिए कॉन्टेक्ट करेगी। इसी ब्रांच से आपका लोन होगा और ये आपको सैंक्शन भी देगी लोन का। तो आई थिंक इसमें आपको कुछ डाउट नहीं होगा, जो भी ये लोन की फॉर्मेलिटीज़ हैं ये बस यही है। और अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। एट प्रेजेंट आपको क्या करना है, 1 नवंबर के पहले मेल का रिप्लाई करना है, 7 नवंबर के पहले जोनल ऑफिस में जाके मेडिकल और DV करवा लेना है, और 18 नवंबर को वहाँ पर रिपोर्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। कोर्स में क्या क्या सब्जेक्ट्स होंगे वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, और कोर्स के अंदर जाने के बाद भी अगर कुछ डाउट्स हो तो आप मुझसे टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।